अस्सलाम वालेकुम। न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4C फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सो इन दिस पार्ट बेसिकली दिस एक्सरसाइज 4C इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू cover first what is algebra, definition of algebra, then we will see simplification of a linear expression with fractional coefficient, and then we will start exercise 4c. And in exercise 4c we will do question number 1, part a to part d. Now what is algebra? Algebra hai kya? Basically algebra is a branch of mathematics in which different letters and other general symbols are used to represent numbers and quantities in formula and equations. Basically, algebra एक ऐसी branch है mathematics की जिसमें different letters, different symbols, different mathematical operations जो है use होते हैं किसी भी number को represent करने के लिए, कब कहाँ पे किसी भी formula या किसी भी equations में. Okay, so let us consider this example. अगर आप इस example को देखिए तो 7 मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 2। अगर यहाँ पे आप लोग देखें, पहली चीज तो आप लोगों को एक चीज दिखेगी, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लाइक प्लस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। और अगर 7n को देखें, 7n, 7n का मतलब ये है कि 7 मल्टीप्लाई बाय एन, तो मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें मिल गया। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इज 2, देन वेरिएबल दिस n, एंड किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस भी हैं, लाइक वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, बट वो क्वांटिटी कैसी होती हैं वो वेरी करती हैं, वो वेरी कर सकती हैं। लाइक एन है, एन में हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्स्टेंट? कॉन्स्टेंट इज बेसिकली अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर। कॉन्स्टेंट एक ऐसा सिंबल है जो कि फिक्स्ड नंबर को जो है शो करता है, मींस के कॉन्स्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। लाइक अगर ये 2 लिखा है तो वो थ्रू आउट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन वो 2 ही रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज। ओके, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कैसा नंबर है? कोफिशिएंट इज अ नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी वेरिएबल। कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो सके, लाइक 7 मल्टीप्लाई बाय एन, 7 जो है इस n वेरिएबल का कोफिशिएंट है। ओके, नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। पहले तो देखते हैं फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है क्या। फ्रैक्शनल कोफिशिएंट ऐसा कोफिशिएंट होता है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो। अभी हमने ये देखा कि किसी भी वेरिएबल से पहले, यहाँ पे भी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा, किसी भी वेरिएबल से पहले जो नंबर होगा, जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट होगा। बट अगर यही कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो वो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट कहला जाता है। लाइक फ्रैक्शन कोफिशिएंट मींस दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। नाउ व्हाट इज लीनियर एक्सप्रेशन? इज लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन ना हो। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या है? अब क्योंकि हम अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं, अलजेब्रा में डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, सो लीनियर एक्सप्रेशन कैसी एक्सप्रेशन है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स जो होंगे उनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लाइक एक्स, वाई, जेड। ऑल्दो आप लोग इससे जो है आप लोग को नॉलेज होगी एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब या एक्स क्यूब, बट ये इनकी पावर 1 से बड़ी हैं। बट अगर पावर 1 हो पूरी एक्सप्रेशन में तो वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाई जाती है। सो इन द लीनियर एक्सप्रेशन 1/2x + 3/4y, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि x और y की हाईएस्ट पावर 1 है। वेयर 1/2 एंड 3/4 आर फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। ओके, 1/2 एंड 3/4 जो है वो x और y वेरिएबल के फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। सो आई होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, द प्रोसीजर फॉर सिंप्लीफाइंग लीनियर एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करना है हमने विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, इन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंप्लीफाइंग ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल फ्रैक्शन। जो हम ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होंगी ये लीनियर एक्सप्रेशन भी फ्रैक्शनल कोफिशिएंट की जो है, बट डिफरेंट ये है कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई।
अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपनी वीडियो में ये अपलोड एक वीडियो ऐसी अपलोड की है कि जिसमें एक्सरसाइज 2 दिए है आई गेस, जिसमें ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस हैं लाइक 1/2 प्लस 3/4, इनको हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। बट अब जो एक्सरसाइज 4C में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही हैं बट इन फ्रैक्शन के साथ डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सो उनको अब हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4C। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो पार्ट ए इज दैट 1/4 प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10y। सो लेट्स स्टार्ट 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10y। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सॉल्व ये ऐसे होंगे जब सेम वेरिएबल वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं वो एक साथ होंगी। सो सेम वेरिएबल वाली x और y और y एक तरफ कर लेंगे, 1/4x माइनस 1/6x प्लस, अब मैं प्लस लगा के इनको सेपरेट करूंगी थोड़ा सा, 1/5y माइनस 1/10y। ठीक है, अब 1/4x का मतलब क्या है, x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 6 हो गया ये, प्लस ये जो है हमारे पास y अपॉन 5 माइनस y अपॉन 10। नाउ अब सेपरेटली पहले हमने इसका एलसीएम लेना है 4 एंड 6 का, फिर 5 और 10 का लेंगे। पहले हम 4 एंड 6 का ले लेते हैं एलसीएम, 4 6 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are 2 3 as it is 3 1s are 3 2 2s are 4 4 3s are 12। सो 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आया, 12। अब 4 को इतना रीड करना है कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 4 3s are 12। नाउ 3 विल मल्टीप्लाई बाय x माइनस x, 6 को इतना रीड करना है कि 12 आ जाए, 6 2 2s are 12। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय x। आई होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीजें। प्लस ये ब्रैकेट में एज इट इज बना देती हूँ। अब मुझे 5 और 10 का एलसीएम लेना है, फाइव एंड टेन, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, टू वन ज़ा टू, सो फाइव टू ज़ा टेन, सो द एलसीएम ऑफ फाइव एंड टेन इज टेन। ओके, सो फाइव को इतना रीड करना है, इस फाइव को इतना रीड करना है कि टेन आ जाए, फाइव टू ज़ा टेन, टू मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस, टेन को इतना रीड करना है हमने कि हमारे पास जो है टेन आ जाए, टेन वन ज़ा टेन, वन मल्टीप्लाई बाय वाई। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट 3x को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 2x डिवाइडेड बाय 12 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई इज 2y माइनस वाई अपॉन 10। नाउ अब 3x माइनस 2x दो नंबर है, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, 3x माइनस 2x इज x, साइन बड़े नंबर की आएगी क्योंकि बड़ा नंबर जो है 3 है, उसके साथ प्लस साइन है, प्लस 2y माइनस y इज y अपॉन 10। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अपॉन 3a माइनस 2 अपॉन 3a माइनस 1 अपॉन 7b प्लस 2a माइनस 3 अपॉन 5b। अब हमें पता है कोई भी नंबर हो, अगर उसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ना हो तो इट मींस डैट कि वो 1 है,
तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं, 2/3a, पहले मैं डायरेक्ट अरेंज कर रही हूँ अब यहाँ पे, प्लस 2a माइनस 1/7b माइनस 3/5b। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अरेंज हमने किया है। अब पहले तो मैं a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ ना, 2a/3, ताकि ईजी हो हमारे लिए। प्लस 2a, ये माइनस 1/7b है तो माइनस b/7 हो जाएगा ये, और ये माइनस 3b/5 हो जाएगा। ओके नाउ, अब 2 के नीचे कोई नंबर, 2a के नीचे कोई नंबर नहीं है, सो इट मींस दैट कि ये 1 है। ओके, वी हैव मार्क 1। नाउ 2a, सॉरी, अब हमने एलसीएम लेना है। अब 1 है हमें ये पता चल गया है, बट नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 1। अच्छा, पहले सेपरेट कर लेते हैं ना, 2a/3 प्लस 2a/1 मैंने सेपरेट किया, ठीक। फिर मैंने प्लस साइन लगाती हूँ ताकि ये वाला माइनस भी इसके साथ मैं ले सकूँ, ये माइनस, ताकि मसला ना हो। प्लस साइन लगाया, प्लस लगा के सेपरेट किया, माइनस b/7 माइनस 3b/5। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हमने इसका एलसीएम लेंगे 3/1 का, और फिर इसका एलसीएम लेंगे 7/5 का। नाउ एलसीएम ऑफ 3 एंड 1, वैसे तो इट इज अंडरस्टूड कि 3/1 का एलसीएम 3 ही आएगा, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज, एंड 1 1 जा 1। सो 3 1 जा 3, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 इज 3। 3 को इतना रीड करो कि 3 आ जाए, 3 1 जा 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2a, प्लस 1 को इतना रीड करो कि 3 आ जाए, 1 3 जा 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2a। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लस सेम ब्रैकेट बना दिया जाए, 7/5 का एलसीएम ले लिया जाए, 7 5 7 1 जा 7, 5 एज इट इज, 7 5 जा 35, सो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस 3b/5, को इतना रीड करोगे 35 आ जाए, 7 टाइम्स। ओके, लिख दिया हमने। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2a इज 2a, प्लस 3 2 जा 6, 6a/3, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी इज -5b, माइनस 3b/7 इज -3b/7 इज 3 7 जा 21, माइनस 21b/35। नाउ नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है, 2a+6a इज 8a/3, प्लस 35, माइनस 5b माइनस 21b, दोनों नंबर के साथ सेम साइन और सेम साइन माइनस की, इसका मतलब एडिशन होगी। सो 21 प्लस 5 इज 26b, बट साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ओके, तो अब फाइनल इस करके हम इसको लिख सकते हैं 8a/3, ये प्लस है, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस 26b/35 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी इज दैट 5/9c प्लस 3/4d माइनस 7/8c माइनस 4/3d। नाउ इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, 5/9c प्लस 3/4d। चलो मैंने पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, चलो
नाउ अब हम अरेंज करते हैं इसको, ठीक है। अरेंज अरेंज अब मैं ऐसे करूंगी, एक स्टेप मैं डायरेक्ट करूंगी, 5/9c लिखते हैं ना, मैं 5c/9 करके लिख रही हूँ, 5c/9। अब इसके साथ ये आएगा -7c/8। ओके नाउ अब क्या है, +3/4d, तो मैं लिख रही हूँ +3d/4 -4d/3। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज दैट एलसीएम ऑफ 9 एंड 8, 8 और 9 का एलसीएम लेना है हमने, रफ वर्क बना लेते हैं, 9 एंड 8 का एलसीएम, 3 3s are 9, 8 as it is, 3 1s are 3, 8 as it is, 2 4s are 8, ओके, 2 2s are 4, 2 1s are 2, सो 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are, हम चेक कर लेते हैं, 18, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 18 2s are, 8 2s are 16, 1 carry, 2 1s are 2, 3 36, and 36 2s are, 6 2s are 12, 1 carry, 3 2s are 6, plus 72. So the LCM of 9 and 8 is 72. Okay. अच्छा यहाँ पे ये प्लस था ना, मैं इसको यहाँ पे पहले सेपरेटर लगा ही देती हूँ, वो मैंने एक और स्टेप डायरेक्ट अप कर दिया, ये सेपरेटर जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, सेपरेट हो गया ताकि इजीली हम सॉल्व कर सकें। नाउ 72, एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 इज 72। अब 9 को इतना रीड करना है कि 72 आ जाए, 9 को इतना रीड करना है कि 72 आ जाए, 9 8s are 72, सो 8 × 5c -7c, 8 को इतना रीड करो कि 72 आ जाए, 8 9 जा 72, सो × 9 प्लस ये सेपरेटर लगाया हमने, सेपरेटर ब्रैकेट लिया, ओके नाउ 4 और 3 का एलसीएम लेना है, 4 एंड 3 का एलसीएम लेना है, तो अगर डायरेक्ट भी करें कोई मसला नहीं, 4 1s are 4, 3 as it is, एंड 3 1s are 3, सो 4 3s are 12, 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 times, सो 3 × 3d, माइनस 3 की टेबल में 12 कब आता है, 3 4s are 4 × 4d, नाउ 8 5s are 40c, −9 7s are 63c, plus 3 3s are 9d, −4 4s are 16d/12. Now 40c − 63c, अब दो नंबर हैं, दोनों के साथ जो डिफरेंट साइन है, इट मीन दैट सब्ट्रैक्शन होगी, 63 − 40, तो 63 − 40 करके देख लेते हैं, 63 − 40, 3 में से जब 0 गए 3, 6 में से 4 गए तो 2, सो साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, बड़ा नंबर कौन सा 63 है, सो −23c/72 प्लस 16 − 9 16 − 9 is 7, और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, और बड़ा नंबर 16 है, सो −7d/12, सो इट विल बिकम −23c/72 प्लस −7d/12, सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दिस इज द फाइनल आंसर, नेक्स्ट पार्ट डी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो, द क्वेश्चन इज दैट पार्ट डी इज दैट 2f − 5/3h +9/4k −1/2f −228/5k +5/4h,
अब यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स हैं, अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने ए से लेके सी तक टू टू वेरिएबल्स फॉर्म थे, अब थ्री वेरिएबल्स हैं, थोड़ा सा काम इंक्रीज हो गया हमारे लिए। सो इसको पहले डायरेक्टली अब मैं अरेंज करने जा रही हूँ, टू एफ माइनस, अब सेम एफ वाला का है माइनस वन अपॉन टू एफ, तो मैं इसको लिख देती हूँ माइनस एफ अपॉन टू डायरेक्ट, एक स्टेप और डायरेक्ट, माइनस फाइव अपॉन थ्री एच, तो माइनस फाइव एच अपॉन थ्री, ओके, प्लस फाइव अपॉन फोर एच, तो प्लस फाइव एच अपॉन फोर, नाउ प्लस नाइन अपॉन फोर के, मतलब के प्लस नाइन के अपॉन फोर, नाउ माइनस ट्वेंटी एट अपॉन फाइव के, माइनस ट्वेंटी एट के अपॉन फाइव, ओके। अब थोड़ा सा सेपरेटर यूज करने हैं जिस तरीके से मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए, नाउ बी विद मी, टू एफ माइनस एफ अपॉन टू प्लस माइनस, ये यहाँ पे प्लस लगाएंगे ताकि मैं इसको ब्रैकेट में ले सकूँ, ठीक है, माइनस फाइव अपॉन एच अपॉन थ्री प्लस फाइव एच अपॉन फोर, प्लस नाइन के अपॉन फोर, माइनस ट्वेंटी एट के अपॉन फाइव। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक रफ वर्क भी बना लेते हैं हम अपने एलसीएम के लिए। अब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो इट इज़ ऑब्वियस दैट के वन होता है, और टू और वन का अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लूँ अगर मैं यहाँ पे ना, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का वन के साथ एलसीएम लेना वही नंबर होता है। सो वन और टू का एलसीएम अगर हम लें तो टू ही होता है, ओके। सो वन को, ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे वन को इतना रीड करना है कि टू आ जाए, तो वन टू जा टू, सो टू मल्टीप्लाई बाय टू एफ, ओके, माइनस टू को इतना रीड करो कि टू आ जाए, टू वन जा टू, वन मल्टीप्लाई बाय एफ। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लस लगाया, ये ब्रैकेट हमने जो सेपरेट किया था वो लगाया, थ्री और फोर का हमने एलसीएम लेना है, थ्री और फोर का एलसीएम लेना है, सो थ्री वन जा थ्री, फोर एज इट इज, फोर वन जा फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, नाउ थ्री को इतना रीड करोगे ट्वेल्व आ जाए, थ्री फोर जा ट्वेल्व, सो फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव एच प्लस फाइव एच, फोर को इतना रीड करो कि ट्वेल्व आ जाए, सो फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, सो प्लस फाइव एच विल मल्टीप्लाई बाय थ्री, ओके। नाउ प्लस दिस स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाएंगे, ओके। अब हमने फाइव और फोर का एलसीएम लेना है, फाइव फोर, फाइव वन जा फाइव, फोर एज इट इज, अगर मैं फोर का ही डायरेक्ट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर वन जा फोर, सो फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी हमने यहाँ लिख दिया, ट्वेंटी। अब फोर की टेबल में हमने ये चेक करना है ट्वेंटी कब आता है, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन के, ठीक है, माइनस ट्वेंटी एट के मल्टीप्लाई बाय, चेक करना है हमने, फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो मल्टीप्लाई बाय फोर, नाउ टू मल्टीप्लाई बाय टू एफ इज फोर एफ माइनस एफ, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाय एफ अपॉन टू, प्लस माइनस फाइव एच मल्टीप्लाई बाय फोर इज माइनस ट्वेंटी एच, प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन एच अपॉन ट्वेल्व, प्लस एज इट इज नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, और ये के लगा हुआ है के, माइनस ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय फोर, सो ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय फोर चेक कर देते हैं, एट फोर जा थर्टी सिक्स, थ्री कैरी, फोर टू जा एट, नाइन टेन इलेवन, वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन,
सो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 116 के डिवाइडेड बाय 20. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट मैं इसको पहले यहाँ से इरेज कर देती हूँ और अब ये मुझे थोड़ा सी लाइन और चाहिए होगी स्पेस. नाउ 4f माइनस f अपॉन 2, 4f माइनस f दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है और ये 1f है बेसिकली. 4f माइनस f इज 3f और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 4 है उसके साथ प्लस साइन है. 3f अपॉन 2 प्लस माइनस 20h प्लस 15h अपॉन 2 प्लस दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है. प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 15 इज 5h और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की एंड द ग्रेटर नंबर इज 20 उसके साथ माइनस साइन है तो माइनस 5h अपॉन 12. नाउ 116 माइनस 45 सो 116 में से जब 45 माइनस करेंगे 6 माइनस 5 इज 1 एंड 11 माइनस आई गेस समथिंग इज रॉन्ग. यस वेट लेट मी चेक. ओके ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय फोर इज 112. सॉरी ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मुझसे. मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. 28 मल्टीप्लाई बाय फोर, 28 मल्टीप्लाई बाय फोर, एट फोर ज़ा 32, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 12, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 102. सो यहाँ पे जो है बेसिकली 102 के आना था. अब माइनस करेंगे 112 के में से 45 को. सो 2 में से तो 5 कैंसिल नहीं हो सकता तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, 0 हुआ और ये 12. नाउ 12 में से जब 5 जाएंगे तो 7 और 0 में से 4 नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 हुआ, 10 में से जब 4 गए तो 6. सो अब ये हो गया 67. सो एक वो मिस्टेक थी, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. सो नाउ प्लस, अब प्लस माइनस माइनस तो हो गया, 112 में से जब 45 माइनस हुआ तो 67 के आया, लेकिन 67 के साथ कौन सी साइन आएगी, ऑब्वियसली माइनस के आएगी क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है. सो माइनस 67 के अपॉन 20. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा. आगे मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ. 3f अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 5h अपॉन 12 प्लस माइनस माइनस 67 के अपॉन 20. सो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स, ऑल 4 पार्ट्स समझ में आए होंगे. सो थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू मे कमेंट एज वेल. थैंक यू.